Welcome back to another video. I'm Lokesh and this is Snow White. Finally, we are going to Sriwardhan. Yes, this is the Sriwardhan ride vlog. अभी बज रहे हैं सुबह के 5:22. मैं निकल चुका हूँ मेरे घर से. अब पहले जाना है लिट्रा TVS बिकॉज हम लोग जा रहे हैं विद AOG मुंबई. यस, तो ये राइड और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है. अभी है मुझे पहुँचना है लिट्रा TVS जो कि है नवी मुंबई में, एंड देन उसके बाद वहाँ से होगा फ्लैग ऑफ डायरेक्टली श्रीवर्धन को. तो लेट्स गो. भाई तो मेरी नींद पूरी उड़ चुकी है. पहले स्टार्टिंग में आ रही थी थोड़ी थोड़ी, बट जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया एंड देन चालू किया मूव ऑन करना, नींद पूरी उड़ चुकी है एंड एकदम फ्रेश लग रहा है अभी. एंड पूरा एक्साइटमेंट के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ. गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली पहुंच चुके लिट्रा TVS एंड ये अपने कुछ फ्रेंड्स आ चुके हैं. दिस इज काशिकस. हाय. हेलो. एंड ये रहे सुमित भाई. हाय गाइस. एंड ये रहे हमारे शिव भाई. हाय गाइस. इनका भी चैनल है. अभी बज रहे 6:30. ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं. हम नुमान भाई के लिए वेट कर रहे हैं, देन राइड ब्रीफिंग होगा एंड देन निकल पड़ेंगे श्रीवर्धन के लिए. बाकी एक अभी अभी जो है थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिली है कि विवेक नहीं आ रहा हमारे साथ. यस, विवेक हमारा AOG मुंबई का एडमिन, वो नहीं आने वाला राइड पर. तो थोड़ा सा मतलब सैड एक न्यूज़ मिला ही है, बट लेट्स सी अब राइड कैसा होता है. बाय द वे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं सभी काफ़ी दोनों से वेट कर रहा था ये राइड का. एंड ये सिंस एक फर्स्ट स्टे राइड है AOG मुंबई के साथ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है. लेट्स सी स्टार्ट. ये नेहा है. मज़ा आने वाला है राइड में बहुत. यस यस श्योर. देखते सबकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आज. बोला जा रहा बहुत पोटोल्स रहेंगे. सही है सही है. अभी जो है हम लोग दो दो के फॉर्मेशंस में जा रहे हैं. एज यू कैन सी दो दो राइडर्स पैरेलली जो है राइड कर रहे हैं. यही होते हैं अलग अलग ये होते हैं ग्रुप राइड्स के जो है फॉर्मेलिटीज होते हैं. अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशन एक्सेट्रा जो है हमें देखना पड़ता है कैसे राइड करना है. एंड हम सबको जो है एक दूसरे की केयर करके ही राइड करना होता है. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जो भी नए राइडर्स हैं, बिगिनर राइडर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन्हें. क्या मस्त रोड है, भगाने तो बहुत मज़ा आने वाला है. बट हमें नीड को क्रॉस नहीं करना है. यस, ये एक ग्रुप राइड है जिसमें हमें नीड को क्रॉस नहीं करना है एंड टेल राइडर के पीछे नहीं जाना है. तो हमें बीच में मेंटेन कर रहे हैं. कितना भी अच्छा रोड होने दो, भगाना नहीं है. मैं अपनी बाइक लेके फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ. कार से मैं बहुत बार जा चुका हूँ, बट श्रीवर्धन भी मैं इनफैक्ट गया हूँ. 4-5 साल पहले गया था, बट बाइक पे जाने का अलग ही मज़ा है एंड एक अलग ही एक्साइटमेंट है. एंड सिंस ये एक ग्रुप राइड है तो काफ़ी हम तो फन होने वाली है. सी विंड रिसोर्ट पर हम जाने वाले हैं. वो काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है, रिव्यूज़ वगैरह उसके हमने चेक किए. नाइस. एंड आई गेस यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है. आज यहाँ पे भगाने मिलता है यार. क्या सही रूट है. थर्ड टाइम मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बाइक लेके. आई गेस 3 या 4 महीने में मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे. एंड ये बहुत अच्छा रूट है, बट
कनारा सेंचुरी तक ही अच्छा है, उसके बाद एकदम गंदा स्टार्ट होने वाला है पैच। तो देखते हैं अभी ऑफ रोडिंग का पहला एक्सपीरियंस होगा लॉन्ग रोड पर। साल पहले बस से यहाँ आता था तो पता नहीं चलता था इतना, बट अभी इतना गंदा रोड है, अभी से थक चुके हैं हम लोग। एंड हम लोग ने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया, आई गेस 60-70 किलोमीटर हो चुके हैं लेट्रा टीवीएस से। इतना अच्छा रोड स्मूथ था कर्नाड़ा सेंचुरी तक, उसके बाद से जो गंदा पैच स्टार्ट हुआ है वो देखो ये यहाँ पर कब से काम चालू है, मैं जब से छोटा था तब से रोड का काम चालू है ना, अभी तक वो इतना ही गंदा है, पूरी वाट लग गई है, पेट वगैरह दुख रही है अभी से। एंड अभी 2 hours 30 minutes दिखा रहा है 96 किलोमीटर्स के लिए, सो फार नॉट सो वेरी गुड। थोड़ा सा ब्रेक लेके अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, मतलब बहुत ऐसा धूप और धूल मिट्टी वगैरह जाके एकदम अनकम्फर्टेबल हो गया था, बट मज़ा आ रहा है गाइस। रोड खराब है बट एक्सीडेंट राइड का मज़ा आता ही है। कैमरा में बोल रहा था करके ही चलाइए, बिकॉज ये जब टर्न करते हैं तो पूरा इनका जो है व्हीकल डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो मेक श्योर आप जो है अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करें।
वॉज फन। आई गेस मैंने सबसे हाईएस्ट स्पीड जो है अचीव की। देखा नहीं मैंने कितना, अभी गाड़ी रुकेंगे तभी पता चलेगा। मांडव इतना जल्दी तो नहीं आएगा। इंदापुर, ओके इंदापुर आया है। ये अपना सेकंड पिट स्टॉप एट भारत पेट्रोलियम। इंदापुर क्रॉस करके जस्ट थोड़ा सा आगे है ये, एंड पूरी हालत ख़राब है भाई। बहुत बहुत ख़राब रोड है, बहुत मतलब बहुत। पता नहीं कब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी। अभी ये पैच थोड़ा सा अच्छा है, ऐसा थोड़ा प्लेन रोड दिख रहा है, बट बहुत ख़राब रोड है यार। अच्छा लगा पिट स्टॉप लेके। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो जब आप किसी लॉन्ग राइड पर हो, काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है उससे, एंड आपका राइडिंग भी थोड़ा मतलब कंफर्टेबली हो जाता है। अभी जो है थोड़ी देर बाद घाट सेक्शन चालू होने वाला है, तो मज़ा आएगा। लेट्स सी। और देखो कितना गंदा रोड है, फिर से चालू हो गया। थोड़ा देर पहले अभी स्मूथ रोड आया था, अचानक से ऐसा हो गया। क्या बोलने का, व्हाट इज दिस। मांडगांव आ गए, यस फाइनली। अभी यहाँ से जो है राइट लेके हम जाएंगे थ्रू मसरा श्रीवर्धन। आले सगळे सगळे आले। अभी जो है घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया फाइनली। आई होप घाट सेक्शन के रोड थोड़े बहुत तो स्मूथ हो। आई मीन अभी तो काफ़ी अच्छे है, बहुत अच्छा बना है अभी रोड। वो देखो अभी मैम कैसे जा रहे हैं एकदम लाइक अ प्रो। पहली एसटी दिखी है मेरे को अभी आके। आई मीन ये शॉकिंग है, आई मीन बहुत देर बाद मेरे को एसटी दिखी। ये भी फर्स्ट एसटी है। अच्छा बना रोड, हाँ मतलब इतना अच्छा नहीं था पहले। लाइन फॉलो करना सीख गए ना एक बार आप, फिर घाट में राइड करना बिल्कुल ही नहीं। स्मूथ रोड थे, मजा आया। एंजॉय किया मतलब, मजा आया। एंड फाइनली हम लोग जो है अभी ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले। ये छोटा सा पिट स्टॉप ले लिया घाट में, बहुत फन था घाट। आई मीन मैंने थोड़ा सा बहुत रिकॉर्ड किया, उसके बाद गोप्रो जो है बंद हुआ। एज यू कैन सी अब पूरा बैटरी डाउन है,
बट एक नंबर मजा आया। आई मीन ये बेस्ट राइड था मेरा घाट सेक्शन पे किसी मेरे बाइक के साथ। सो लेट्स सी, अब थोड़ा सा रुके, पानी वानी पिए एंड देन निकलेंगे। थोड़ा ही आई गेस 5 किलोमीटर है अभी वो अपना रिसोर्ट। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच श्रीवर्धन। श्रीवर्धन में सी विंड रिसोर्ट, यही पे हम लोग का स्टे है यस आज और कल। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड हम लोग ने जो है बाइक्स यहाँ पर पार्क की है कुछ इस तरीके से सब। एंड अभी देखते लंच करते हैं, थोड़ा फ्रेश भी होना है रूम वूम में जाके, मिलता हूँ आपको। एंड यहाँ पर सब बैठे हैं अपनी AOG फैमिली। बहुत सैडलिंग करके जा रहा हूँ मैं। क्या सही व्यू है, वाह।